So, hello guys, कैसे आप सब? मैं आपका भाई अलबादी और आप देख रहे हैं अलबादी ब्लॉग। तो गाइस लास्ट वीडियो की अभी बात नहीं करते। एक बार विवेक के फोन आ रखे थे मेरे पास काफी ज्यादा, मैंने उसके फोन नहीं उठाया। फोन पे तो पता नहीं क्या बोलेगा। अभी कल से मैंने उसके ना तो फोन उठाया ना मैसेज वगैरह किसी चीज का रिप्लाई नहीं किया। अभी डायरेक्ट उसके घर पे जाऊँ ना तो उस बारे में तब बात करेंगे। गाइस अपनी लास्ट वीडियो का टारगेट देख लेते हैं, पूरा हुआ नहीं भाई। मैंने कमेंट में बोला था कि 15,000 कमेंट और भाई 8,000 लाइक कंप्लीट हो जाने चाहिए। अभी देखते हुए या नहीं भाई कमेंट का। तो गाइस आपने टारगेट पूरा कर दिया, पूरे 15,000 कमेंट। तो भाई लाइक का टारगेट और देखते हैं 8,000। क्या बात, आप टारगेट कंप्लीट ही नहीं कर यार, इतना मुश्किल थोड़ी है। आपको मुश्किल लग रहा है तो यार होगी मेरी इंस्टाग्राम आईडी, जल्दी से इस पर 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट करा दो। 100 से रिलेटेड बहुत तगड़ी अनाउंसमेंट करनी है। अभी आ गया मेरे पास विवेक का कॉल भाई, मैंने कॉल अभी भी नहीं उठाया, अभी सीधा उसके घर पे चलते हैं, देखते भी क्या सीन होता है। आपको एक बात और बतानी थी भाई, एक्सेंडर दो टाइप की आती है, एक तो 4 गियर वाली और एक 2 गियर वाली। भाई 2 गियर वाली 150 भागती है, भाई 4 गियर वाली 100-120 आती है। जो सबसे पहले बैन की थी 2 गियर वाली बैन की थी, वो आसानी से मिलती भी नहीं है। दोनों में कंफ्यूज हो रहा हूँ भाई, 2 गियर वाली लू या 4 गियर वाली लू। 2 गियर वाली तो गजब है यार, 150 भागती है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये की भाई वो मिल नहीं रही, इतने दिन से परेशान और कंफ्यूज हो रहा हूँ कौन सी लू। गाइस आप ही कमेंट करके बता देना 2 गियर वाली लू या 4 गियर वाली। तो गाइस मोहित भी आ चुका है भाई, एक बात बता विवेक की कॉल तेरे पास भी आ रखी है? दो दिन से उसके कॉल नहीं उठा रहा, यही बोला था, बोला विवेक फोन नहीं उठा रहा। एक काम करते हैं उसके पास चलते हैं, सामने जाके पूछ लेते हैं भाई क्या बोल रहा था। यार भाई 2 दिन से इग्नोर कर रहा मैं उसको। विवेक इतने कर लिया फोन, तो कहाँ था तुम? अरे सोच रहा था मिल के बात कर लूँगा। तो कर लिया, ये क्या चीज थी भाई ये वीडियो के अंदर समझ नहीं आई, ये मेरी आंखें बिल्कुल ऐसे वाइट हो रखी है, क्या हुआ था ये तो बता दो मेरे को। गेम खेल रहे तुमने वीडियो में देखा ही है। हाँ। के बाद वो लेंस में हमें कुछ दिखा, उसके पास जाते ही हो गया था तेरे कुछ। तेरे को मना कर रहे थे ना उसके पास मत जाओ, उसके हाथ लगाती फिर तो बाकी तुमने वीडियो में देख ही लिया था क्या सीन हुआ। मैंने मना करा था कि ऐसे ऐसे भाई अगर मेरे को कुछ और वो चीज अगर वो नहीं हटती वीडियो में, तूने ये भी देखा है ना कि हम तेरे को मना कर रहे हैं जाने के लिए। अरे बट मेरे को तुम मना तो कर रहे हो, बट यार मेरे को वो चीजें तो मेरे को नहीं है भाई याद कि हमने कब हमने गेम स्टार्ट करा, कब मैं उसके पास में गया, ये चीजें तो मेरे को याद ही नहीं है। विवेक का मम्मी क्या हो गया? अरे भाई सारी बुला लेता हूँ उसको भाई। तो भाई जब बाहर जाए खड़े हुए तो भाई आधा घंटा वेट करके आए हैं, चली गई ना आंटी? हाँ वो तो खेत में चले गए, गुड बाय करना है, एक बार बेसमेंट में चले गुड बाय करना है, करवाऊँ तेरा गुड बाय, मेरा गुड बाय हो जाएगा ये चक्कर में भाई। क्या प्लान है फिर, बैठे बैठे भुगड़े खाया जाएगा? नहीं जाऊँ भाई तुम्हारे साथ कहीं भी, घर वालों को तो ये भी डर है कहीं दोबारा कुछ ना हो जाए। आप ही कमेंट करके बता देना मैं दोबारा से 20 मिनट में जाके वीजा बोर्ड वाला चैलेंज करना चाहिए या नहीं। सुन फिर एक फाइनल बता दे, नहीं चलना भाई वहाँ नहीं जाऊंगा, अगर तेरे को चलना ही है अड्डा देख करके आते हैं, कोई बंदा वहाँ पे आया है या फिर क्या चीज है वो देख करके आनी है। चल फिर चलते आजा, गाड़ी में बैठ के तो निकल लिए, अभी अड्डे पे देख के आते हैं। अड्डे पे क्या देख के आएगा, सामान उठा के लाइक कबाड़े में बेच देगा यार। मतलब तेरा वो शीशा टूटा था उसका खर्चा तू ऐसे निकाल लेगा? मत याद दिलवा भाई उसको, तो याद करके ना इतना गुस्सा उठता है कि बेचारे को गाड़ी भी नहीं देते घर वाले। सो गाइस अभी जंगल में एंट्री ले रहे हैं भाई, सो ये ट्रक वगैरह क्या करने आ गए इस रास्ते पे। सो गाइस गाड़ी तो वहाँ पे लगा दी है, चले भाई तक नहीं हटाया नहीं है ये तो परमानेंट ब्लॉक हो गया भाई। तो गाइस अभी लास्ट वाले अड्डे पे जा रहे हैं और देखते हैं यहाँ पे कुछ मिलता है नहीं भाई साहब। ओ भाई ये तो दोबारा से बंदे आए थे यहाँ पे, दोबारा से आए हैं भाई, ये मेरे हिसाब से इन्होंने ना रात को वेट करा है कि हम कब जाएंगे और तब ये आए हैं यहाँ पे। मान नहीं यहाँ पे भाई सारा उठा लिया, ये देखो कैसी जगह भाई, ये मैंने कब्जा कर लिया इसके ऊपर, इसके ऊपर अब अलबादी ब्लॉग्स लिख कर। यहाँ पे तो आसपास देख लिया, यहाँ पे तो कुछ नहीं मिला, अभी ड्रोन उड़ा के देखते हैं, ड्रोन उड़ा के देख लेते हैं। आज तो इस टाइम आया, आज तो अपने पास पूरा टाइम है और वही ड्रोन की 3-3 बैटरी, आज चाहे तो पूरा जंगल भी देख सकते हैं ड्रोन से। अरे कुछ दिखा गया अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं अभी यार, किले जैसी देखियो जगह वगैरह कैसी है, ये कौन है देखियो, देखियो देखियो। ओ भाई ऐसे तो भाई पुलिस वाला लग रहा है, ओ भाई कौन है ये, ये कहाँ जा रहा है, ओए ड्रेस तो इसकी पुलिस वाली है पुलिस, मेरे ख्याल से वो चोरों का अड्डा इसने पकड़ लिया भाई, ये पुलिस की रेड पड़ी उसके अड्डे पे भाई, ले भाई चोकर गैंग को पकड़ लिया आज पुलिस वालों ने, अगर आज पुलिस वालों ने चोकर गैंग को पकड़ लिया तो मजा आ जाएगा भाई। ये कुछ सामान वगैरह भी लेके जा रहा है, अगर गैंग को पकड़ लिया तो और बंदे कहाँ हैं, ये अकेला क्यों है, जो इसके आगे जाके देख के आए, ये तो अंदर घुस गया भाई। अरे ये कहाँ चला गया,
वही कौन सी जगह ऐसे पुलिस वाला तो नहीं लग रहा हरकतों से? नहीं भाई नहीं, कोई कुछ हो। ये तो भाई वो अड्डे की तरफ जा रहा है उसके, मेरे को तो शक हो रहा है यार। पुलिस वाला अकेला बंदा, पुलिस वाला नहीं था भाई वो, भाई वो मेरे को लगता ही नहीं कि भाई वो कोई पुलिस वाला था। पीछे ड्रोन भेजते हैं, वो कर क्या रहा है? क्या दिख रहा है तेरे को? अभी तक तो कुछ भी नहीं दिखा यार। वे क्या है ये? टम्पू, ये टम्पू है भाई यार। जंगल में इतने टम्पू कैसे आ रहे हैं? अरे यार आते तो हैं यार, क्या हो गया इसके? देख एक चीज कर, इसका ना पास लेकर के चल, इसके ऊपर देख। ओ भाई क्या है? वही बंदा, सेम बंदा। ओ भाई, ओ भाई, पुलिस वाले टप्पू। ओए सामान फेंक दिया उसके अंदर। देख एक बार ये क्लोज कर थोड़ा, एक बार देख ऊपर क्या रहा है। कपड़े चेंज कर रहा भाई। ओ भाई ओए, इसने तो वो पुलिस वाली ड्रेस तो निकाल दी ना इसने, देख जोकर वाली ड्रेस पहन रहा भाई, जोकर वाली ड्रेस पहन रहा है। जोकर जैसा आदमी था ये, पुलिस वाला बन के घूम रहा है यहाँ पर, ताकि किसी को पता ना चले भाई, अगर फंस भी जाए तो। जोकर बन गया ये पूरा, सुन अब पता तो चल गया ना ये जोकर है। हाँ। इसको पकड़ते हैं, ये कौन सी जगह है पे एक बार ये देख लेते हैं। कहाँ पे है भाई हम? ओए हम तो काफी बीच में यार, तो फिर इसके तरफ चलना होगा। एक काम कर, इसको लैंड करा जल्दी से, इसको उतारते हैं पहले एक बार। भागो यार, ओ भाई जल्दी भाग यार मोहित यार, इसको पकड़ेंगे आज। ये जो भी है ना, ये जो भी बंदा, इसको पकड़ के रहेंगे। डंडा निकाल यार गाड़ी में से, जल्दी उठा डंडे वंडे उठा लो। ओए आगे क्या, पकड़ो इसको। ओ रोक 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 रोक, कौन है? ओए ओए ओए, फोड़ दिया शीशा। ओए अरे रुक जा विवेक, रुक ना। अरे यार ये शीशा फोड़ दिया। ओ भाई, ओ भाई, बाहर निकाल। ओए, ओए, रुक जा। ओ भाई, ओए भाई, अरे भाई रुक जा। ओए रुक जाओ, जोकर है। रोक, ओए, ओए बाहर निकाल, बाहर निकाल, बाहर निकाल, बाहर निकाल, बाहर मार। उड़ दिया सही में इसका भी शीशा, सही करा यार तूने। ओए, 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 ओए। भाग गया भाई। क्या तो भाग इसके पीछे यार, पकड़ इसको। ओ भाई। गाड़ी लेके आ जल्दी, बैठ बैठ जल्दी यार अंदर। ओ यार पकड़ना यार उसको जल्दी पकड़। जोकर भी अगर पकड़ में आ गया ना, मजा आ जाएगा यार। अभी तो सिर्फ अब तो सिर्फ शीशा शीशा फूटा भाई उसका, कुछ दिख नहीं रहा यार, कुछ नहीं दिख रहा यार आगे भाई। काम से आराम से ले यार, टायर ही पट रहे यार, मैं क्या आराम से लूं यार, दिखना भी बंद हो गया वो यार। इस तरफ ना खाई है यार, गिर जाएगी भाई गाड़ी उसमें यार, आराम से ले। ओ भाई कितना देख के, ओ भाई इस रास्ते पे तो नहीं गया वो यार, पता नहीं यार इस रास्ते का, तो तू सीधा ले यार। कहाँ गया भाई यार, दिख ही नहीं रहा कहाँ गया। लेफ्ट गया, राइट में गया यार, यहाँ से है ना दो रास्ते जा रहे हैं। लेफ्ट में तो नहीं है, लाइट उधर नहीं, नहीं उस तरफ नहीं है, राइट उस तरफ लिया, राइट ले तू। अब हो रहा जल्दी चला भाई, देखो वो तो मगर। अरे यार अब कहाँ है? अरे अरे कहाँ पे गायब हो गया वो भाई? रोड आ गया, रोड आ गया नहीं तो। हाँ 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 रोड आ गया भाई, अभी लेफ्ट का या राइट? राइट, एक काम कर, लेफ्ट में नहीं है भाई, लेफ्ट में नहीं, राइट ले, राइट ले यार। राइट में भी नहीं है यार, आगे तक देख यार मोहित एक बार। अरे नहीं दिख रहा भाई यहाँ से, लाइट नहीं दिख रही यार, ये तो कोई गांव हो गया भैया स्टार्ट यार, यहाँ पे थोड़ी ना मिलेगा वो यार। ये भी तो नहीं पता वो लेफ्ट गया था राइट गया था, पता नहीं उसका जो शीशा फोड़ा ना भाई, मजा आ गया। एक चीज देखी वो वो पीछे वाले बंदे उतर के भी नहीं आए भाई। तो गाइस वहाँ पे तो कुछ नहीं मिला, और भी रस्ते में भी काफी चेज किया गाइस। अभी विवेक के घर के यहाँ पे आ गए, जोकर उतर जाता ना उसमें से, मैं उसको भाई बेचारे की हालत खराब हो जाती है अगर वो उतर जाता भाई। उसके मुंह से ना कुछ भी आवाज भी नहीं निकली इस बार, तो हिम्मत ही नहीं हुई इसकी। उसने देखा ना कि डंडे वंडे भी हैं, और असल में उसको था कि टम्पू का किसी को नहीं पता चलेगा, पर वो हमारे पास ड्रोन था ना, एक बार वो उतरने की कोशिश भी करी थी उसने, फिर वो वापस बैठ गया अंदर ही बैठ गया वापस। और गाइस ये देखो ना कितना तेज बन रहा भाई वो, पहले तो पुलिस की ड्रेस में ऐसे ही घूमने जा रहा, और जाके अपनी ड्रेस वगैरह चेंज कर गया। वो पुलिस की ड्रेस में घूम रहा है, वो पुलिस की ड्रेस में घूम के देखता है कहीं कोई है तो नहीं, अगर कोई होता नहीं है तो फिर वो जोकर बन करके वो लूटता है। भाई साहब आज तो पर मतलब बढ़िया संतुष्टि कर ली उसका, शीशा वीशा तोड़ दिया उसने हमारा, वो थोड़ा सा तोड़ा था हमने पूरा ही तोड़ दिया। सो गाइस अभी विवेक के घर पे आए थे, मैंगो शेक बनाया भाई ने। तू क्या कर रहा है? ओए अरे लाल भैया, लाल भैया रील रगड़ रहा है। ओ भाई साहब क्या खा रहा था, भूगड़े खा रहा था ये? हाँ। किसका फिर? ये किसका होता है? ये जिसका घर है उसका होगा। ले तेरा लाल बिहारी खा ले तू, आंटी लाल बिहारी खा रहा।
कहाँ गया वो? पता नहीं बाहर गया था, फोन में बाहर गया था। भाई साहब यहाँ पे अपना व्लॉग चल रहा है, उसे ढूंढ के आते हैं। विवेक कहाँ है बता दे, विवेक कहाँ है? बहरा है तू? बैठा हुआ अभी तक इसकी बातें चल रही है यार, कान पे फोन भी नहीं लगा रखा। ओ भाई साहब विवेक, विवेक यहाँ क्या कर रहा तू इतनी देर का? पैर लटका ही क्यों बैठा यहाँ पे? पता नहीं यार, यहाँ कब आया था मैं। चल नीचे हो ले, आंटी बुला रही है तेरे को। अभी इसकी वाइट आंखें हो रखी थी, अभी नॉर्मल हो गया ये। चल चल चल, खड़ा हो खड़ा हो। क्या हो गया? आ जा आ जा, गाड़ी में बताऊंगा। अरे कहाँ जा रहे हो भाई? घर पे जा रहे हैं, कल मिलते हैं घर पे जा रहे हैं। अरे तो पागल हो गया, रुक जाओ ना भी। अरे मिलते हैं, कल मिलते हैं यार, घर से फोन आ गया अर्जेंटली। वहां से तो निकल लिए थे। अरे इतनी जल्दी भी क्यों ले आया भाई? भाई तुझे पता है क्या सीन हुआ? क्या हो गया? मैं ऊपर गया, उसे बोला ना, वो बैठा हुआ वहाँ पे, सुन बैठा हुआ छत पे सुन बैठा हुआ, फोन पे बात कर रहा हुआ। नहीं फोन पे भी नहीं कर रहा था, मैं जाके हाथ वाथ लगाया, उसने मेरी तरफ देखा, आंख व्हाइट हो रखी थी उसकी दोबारा। भाई साहब मैं देख के डर गया। सीन हो रहा है बार बार। अरे एक ही सेकंड बाद दोबारा देखा तो दोबारा ठीक होगी। मगा भाई ये कैसे हो सकता है? ये तो यार चक्कर समझ में नहीं आ रहा भाई। वो गेम मेरे ख्याल से ना हमने कंप्लीट नहीं किया ना, इसलिए ये दिक्कत हो रही है। और बार बार यही नाटक कर रहा था कि नहीं करेंगे। भाई दोबारा करना ही पड़ेगा, वो अगली बार चलना पड़ेगा मोहित, और इसको कंप्लीट ही करना पड़ेगा, और इसको बिना बताए लेके चलेंगे। अगर बता दिया ना, ये बिल्कुल नहीं जाएगा। सो गाइस अभी तो मैं घर पे आ चुका हूँ, और भाई आज दिन की बात करें तो आज फाइनली जोकर से भिड़ गए थे। तो तीन बंदे थे भाई, हिम्मत भी नहीं हुई कि एक बार वो बाहर भी निकल आए। गाइस हमने तो अपनी गाड़ी का बदला ले लिया, और भी अभी घर पे आने से पहले भी विवेक का वो सीन देख के काफी ज्यादा दिमाग खराब हो गया भाई। मैं अचानक उसकी आंखें व्हाइट हो गई, पहले तो मेरे को लगा कि वैसे ही लग रहा होगा, फिर मैंने भाई वो दोबारा से क्लिप देखी। गाइस हमें वो गेम भी कंप्लीट करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट वीडियो में वो गेम कंप्लीट करने चलते हैं बेसमेंट में। गाइस इस वीडियो को एंड करते हैं, और टारगेट पूरा कंप्लीट करा देना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, आप 10,000 कंप्लीट करा दो, इस वीडियो पे 20,000 कमेंट पूरे करा दो, और ये भी बता देना दो गियर वाली RX 100 लेनी चाहिए या 4 गियर वाली। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और ये वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट करके बताने, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तुम्हारे भाई का चैनल है लबादी का। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।